संतोष पेंदुरकर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जन आंदोलन किया गया। एनसीपी इस आंदोलन के माध्यम से जनता को पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव से राहत दिलाने की एक पहल कर रही है। इस आंदोलन में साजिद आसिफ पटेल मीरा भाईंदर अध्यक्ष, अमित सिंह ठाकुर जिला अध्यक्ष हिंदी भाषी विभाग मीरा भाईंदर, बाबा पठान जिला अध्यक्ष सहकारी विभाग मीरा भाईंदर, जतिंदर सिंह मोंगा जिला अध्यक्ष व्यापारी सेल, सुरेश पांडेरे महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिनिधि, राजेंद्र जैतापकर महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिनिधि, उमेश पाटिल जिला उपाध्यक्ष मीरा भाईंदर आदि लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। उद्देश्य यही है, आज मीरा भाईंदर में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेट्रोल दरवाड़ी का जो निषेध के लिए हम लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं, और ये निषेध करते टाइम इतना एक बुरा लग रहा है कि केंद्र सरकार को मालूम है कि आज बाजार पेट में बाहर में जो बैरल के हिसाब से जो कच्चा तेल है इसके प्राइस कम होते गए, 50% कम हो गए हैं, और 50% कम होने के बाद भी आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये इसके पीछे कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार की राजनीति कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये केंद्र सरकार ने कुछ फिक्स किया है क्या आम जनता को मारने का, ही कुछ सुपारी उपारी लिया है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज अगर 50% दाम अगर कच्चे तेल के कम हो गए हैं तो साजी कहे कि ये जो जो पेट्रोल दम के भाव है ये 40-35 रुपए में मिलना चाहिए, इसका टैक्स ही कम से कम 50% तो केंद्र सरकार के पास टैक्स जा रहा है, तो कारण क्या बताएंगे। आज ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े, इसका असर कहाँ गिरने वाला है, सामान्य जनता के जो छोटे मोटे व्यापार है, जो सब्जी है या रोज के खाने की चीज़ें है, जो जीवन आवश्यक वस्तु है, इसके ऊपर ही असर गिरने वाला है, तो सामान्य जनता करेगी क्या। ये कोविड में आज बहुत से लोगों की नौकरियां गई हुई है, काम धंधे ठप है, लोगों के पास पैसा नहीं है आज हाथ में है, और ऐसे टाइम पे अगर ये दामें बढ़ते ही जाएगी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये केंद्र सरकार का करने का क्या करके। जो आंदोलन है आप हर महीने 2-3 आंदोलन लेते हो, ये जनता के लिए मेरा बंदर जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है रिजल्ट कब तक आना दिखेगा जनता को। रिजल्ट आएगा सर, हम ऐसे मुद्दे उठा रहे वो जनता के निगड़ित विषय है। इसके पहले आपने 5-6 दिन पहले आपने देखा है कि गैस का जो दरवाड़ की थी, जो प्राइस बढ़े थे उसके ऊपर हमने आंदोलन किया हुआ है। आज यहाँ पे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे मीरा भाईंदर का ही प्रश्न अगर लेंगे आप है, तो रोड की इतनी बड़ी समस्या थी, आज खड्डे इतने थे, उसके ऊपर आंदोलन किसने किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया। ये मेट्रो का काम जो रुका हुआ था, इसका पत्र व्यवहार अजीत दादा के पास किसने किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर के यहाँ से ही किया हुआ, उसके बाद ये मेट्रो का जो काम रुका था वो चालू हुआ है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो दीपक खांबित थे बांधकाम विभाग के अधिकारी, उसकी दादागिरी कितनी थी आपको सभी को मालूम है। आज वो अगर गणेश नाइक जी यहाँ पे मंत्री थे तभी उन्होंने ट्रांसफ़र हो गया था उसका, उसने ट्रांसफ़र होने के बाद भी वो डिपार्टमेंट लिया नहीं, उसने वही डिपार्टमेंट में रहा और उसने तुरंत वही डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करके लेकर नहीं, हमने वो आज मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया अजीत दादा को, अजीत दादा के पास मीरा भाईंदर का सिस्टम अंदर जाके मिला वहाँ पे, और अजीत दादा ने तुरंत आदेश दे दिया कि वो अधिकारी की तुरंत ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और उसी दिन सेम दिन में ट्रांसफ़र करके हमने दिखाया है। आपने काम बहुत अच्छा किया था, जब आप मिले तुरंत फोन गया वहाँ पर कुशल साहब को, तुरंत से तुरंत कार्रवाई हुई, ये बहुत बढ़िया काम किया आपने, इसके लिए मीरा भाईंदर की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बात करते हैं साजिद भाई, आज आप आंदोलन निकाल रहे हो तो, लेकिन आंदोलन एक राजनीतिक तौर पर होता है, जो मीरा भाईंदर की जनता या देश की जनता उसको इसका रिजल्ट कब तक मिलेगा, उसका लाभ कब तक मिलेगा सर।
जो आंदोलन अभी आप लोग देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर के अंदर हम लोग पार्टी के माध्यम से जो आंदोलन कर रहे हैं, पब्लिक के हित में ही कर रहे हैं और पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं कि ये आंदोलन के माध्यम से जो केंद्र सरकार की कान आग जो बंद हुए वो खुल जावे। अभी आप लोग देख रहे हैं, इसके पहले भी हम लोगों के किसानों के हक में भी आंदोलन हम लोगों ने किए थे, उसमें भी आप लोगों के मीडिया से ही सवाल पूछे, हम लोगों ने उनके जवाब दिए, उसमें भी आज तक आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि ये सब आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहे हैं। बराबर है, हमारा काम है आंदोलन करने का, क्या जो पब्लिक के हित में तुम लोग नहीं काम कर रहे हो तो उसका निषेध हम लोग कर रहे हैं, क्या पब्लिक के हित में काम करो। अभी किसान है, किसान के वजह से अपने सबके घरों में अनाज आता है, आज ये पेट्रोल डीजल है, ये हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करती है, डीजल पेट्रोल। आज इनका भाव बढ़ाएंगे तो अपने हर खाने पीने की चीज़ों पे भाव मार पड़ेगी, भाव बढ़ेगा, और आम आदमी के पास आज की महामारी के अंदर, लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को मालूम है सबके काम धंधे छूट गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए, आज लोगों को रेंट देने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उधर भी स्कूल के बाहर वो लोग खड़े हो रहे, और जिनकी जिनकी नौकरी छूट गई है उनका घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और उसके बाद भी ये पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ते ही रहेगा, और इतनी महामारी के अंदर लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोग उनका घर कहाँ से चलाएंगे, बीवी बच्चों को भूखा मरते हुए छोड़ेंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। और ये सब देखते हुए हम लोग हमारे पार्टी के माध्यम से आज ये दूसरा आंदोलन ले रहे, पहले हम लोगों ने मीरा भाईंदर में युवा के माध्यम से लिया, अभी ये बेसिक के माध्यम से दूसरा राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आंदोलन ले रहे, और हम इसके बाद भी आंदोलन लेते रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, हम लोग पब्लिक के हित में आंदोलन लेते रहेंगे और उनकी आंखें और कान खोलने की कोशिश करेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे पार्टी के माध्यम से, तो आज हम उतरे कल पूरी आम जनता हिंदुस्तान के अंदर रोड पे उतरेगी। चलिए धन्यवाद। बिल्कुल जनता को इसका लाभ मिल रहा है, आप कैसे कह सकते हैं जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, जो लोकल मुद्दा जो है, जो लोकल विषय है उस पर बेशक जनता को लाभ मिल रहा है, जैसे कि रोड का मुद्दा था, फिर भ्रष्ट अधिकारी थे जो बांध काम के, जो मीरा भाईंदर में जो इलीगल काम चल रहे हैं, ये सब में जो एट प्रेजेंट जो नगर पालिका का जो विषय है, जिला का जो विषय है, वो चीज़ें में लोगों को राहत मिल रही है। बाकी जो केंद्र सरकार से, जो राज्य सरकार से जो बड़ा मुद्दा है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पता है थोड़ा समय लगता है, चीज़ें हमारी जारी है, तैयारी भी हमारी जारी है, और हम इसी तरह से आंदोलन ले रहे हैं, और आंदोलन के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश के कई जिलों में और कई राज्यों में एक चिंगारी फैल चुकी है, ये जो भ्रष्ट सरकार है उसके खिलाफ एक चिंगारी फैल चुकी है, और धीरे समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे वो चिंगारी कब आग में तब्दील होगी और कब ये भ्रष्ट सरकार उसमें जल जाएगी, ये आने वाले समय में आप सबको पता चल जाएगा। मैं मीडिया के, बिल्कुल करेंगे, ये जो राज्य सरकार है उससे हम बिल्कुल मांग करेंगे, हमसे जितना हो सकेगा उतना हम लोगों के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे, और जैसा कि मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी वही बात कर रहा हूँ, हम राज्य सरकार से उस चीज़ की मांग करेंगे कि थोड़ी राहत मिले, राज्य सरकार, राज्य की जनता को थोड़ी राहत मिले, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में जो बीजेपी सरकार बैठी है, और कहीं ना कहीं उन लोग राजनीति के साथ साथ वो पर्सनल लेवल पे भी जो चीज़ें वो करते हैं, तो वो चीज़ सब जानते हैं, भारत की जब मनमानी कर रहे हैं, वो उनके हाथ में देश की कमान दे दी, तो जनता को एक साइड में रख के जो है वो मनमानी करें, तो उनकी मनमानी भी ज़्यादा नहीं चलेगी, जैसे कि आप आज देख रहे हैं हमारे सिख भाइयों ने आज तो उनकी क्या मैं आपको बताऊँ, सिख भाई ने तो उनकी हालत ख़राब कर चुकी है मोदी सरकार की। बस उसी तरह से हर स्टेट की जनता को जागरूक होना है, जैसे जैसे वो जागरूक होंगे वैसे वैसे ये जनता, ये जो भ्रष्ट सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, इसकी तानाशाही कम होगी और इनकी मनमानी कहीं ना कहीं कम होगी। हमारी तो बस ये मांग है कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए, 11 बार ये बढ़ा रहे हैं इस बार, तो उनको थोड़ा तो लगना चाहिए कि आज जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप पेट्रोल के लिए इतने पैसे जो बढ़ा रहे हैं, इंसान खाएगा क्या, राइट, जो जा रहा है कमाने के लिए इंसान जा रहा है, गाड़ियाँ लेके जाएंगे, स्कूटी लेके जाएंगे, आम जो होते हैं स्कूटी लेके जाते होंगे, टू व्हीलर फोर व्हीलर हर चीज़ का होता है, पेट्रोल तो बढ़ रहा है, तो हम तो बस उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना महंगाई में एटलीस्ट
किसी और हम लोगों पे जुल्म मत करो, कुछ तो समझो, लोग बेवकूफ नहीं है। अब सब समझ में आने लग गया है लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जो आपकी सरकार है उनको लोगों के लिए, वो कहते हैं आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनने तो दो, जब हम बनेंगे, जब बनते हैं तब आप खुद ही गिराते हो। आज लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लोग चोरियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, काम नहीं दे रहे। तुमने तो वादे किए थे कितने सारे पैसे देने के लिए, 15 लाख देंगे, आज तो कुछ भी नहीं दिए। आज जब गरीब मर रहे थे कोविड में, तब भी उन्होंने कुछ हेल्प नहीं की। हमारे लोगों की, बहुत लोगों की सेवा ने, लोगों ने खाने की भी हेल्प की।